पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है। आपने कल बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत। मैंने किसी आलिम दीन की दुआ पे आपसे स्टेटमेंट ली, मुझे झूठ बोलता है। यस आपने कोई गलत बात नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान के एहसास प्रोग्राम के तहत कोरोना रिलीफ फंड टेलीथॉन के दौरान मौलाना तारिक जमील ने मीडिया पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगा दिया था, जिस पर कुछ सहाफ़ी बुरा मान गए। मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे, मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो, का फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। मौलाना जब ये बात बता रहे थे तो उस वक्त लाइव प्रोग्राम में शरीक चंद सहाफ़ी आँखें चुराते दिखाई दी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उन्हीं सहाफियों के मखसूस टोले ने मौलाना के बयान को मुतनाजा बनाते हुए उनकी खूब पगड़ी उछाली, जिस पर आखिरकार मौलाना को सरेंडर ही करना पड़ा। क्योंकि मौलाना शरीफुल नफ्स इंसान थे, इसीलिए मीडिया के फिरौनों से मुकाबला करने के बजाय निजी टीवी पर आकर बराह रास्त पूरी कौम के सामने माफ़ी मांग ली। आप सबसे, जो भी मीडिया से मुताल्लिक हैं, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। आखिर मौलाना तारिक जमील ने सबके सामने माफ़ी क्यों मांगी? अगर आप हकाई जानना चाहते हैं और सोशल मीडिया का रद्द अमल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलाना तारिक जमील के मीडिया से मुतालिक बयान का मामला पहली मर्तबा सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उठाया था। हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में मौलाना को ही झूठा करार दिया। तो जो भी झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत। हामिद मीर मौलाना के खिलाफ जहर उगलने के बावजूद चुप ना बैठे और उन पर इल्ज़ामात की बारिश करते रहे। सबके बारे में गलतफहमी फैलाना भी जो है वो ठीक नहीं है। कहा कि मौलाना जो कुछ आज इमरान खान के साथ बैठे कर रहे हैं, यही सब कुछ वो 90s में नवाज शरीफ के साथ भी बैठकर किया करते थे। वो नवाज शरीफ साहब के बारे में भी वही बातें करते थे जो आजकल वो इमरान खान साहब के बारे में कर रहे हैं। हामिद मीर की जानिब से मौलाना के खिलाफ किए गए प्रोग्राम के बाद इसी मखसूस टोले के दीगर सहाफ़ियों ने भी रेटिंग की खातिर अपने अपने प्रोग्राम में मौलाना की तजलील शुरू कर दी और उनकी अब तक की तमाम दीनी खिदमात पर एक मिनट में पानी फेर दिया। सहाफ़ी कामरान शाहिद भी अपने प्रोग्राम में मौलाना तारिक जमील के मामले को घसीटे बगैर ना रह सके और शदीद तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि मौलाना ने किस तरह पूरी कौम को झूठा करार दे दिया। मौलाना तारिक जमील साहब को बसते एहतराम, ये किसने इख्तियार दिया कि 22 करोड़ अवाम झूठी है? सहाफ़ी रऊफ क्लास्टर ने भी बहती गंगा में हाथ धोने को गनी बच जाना और अपने यूट्यूब चैनल पर मौलाना तारिक जमील के खिलाफ एक वीडियो बना डाली। फिर तो बात यह है कि फिर आप भी सच नहीं बोल रहे हैं मौलाना साहब। फिर जावेद चौधरी ने भी मौलाना तारिक जमील को अपने प्रोग्राम में शामिल करके शर्मिंदा करने की कोशिश की। जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये समझती है कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था। जावेद चौधरी के बार बार इसरार पर मौलाना तारिक जमील निजी टीवी पर पूरी कौम के सामने माफी मांगने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल, मैं करता हूँ माजरत, खुलेआम माफी चाहता हूँ। साफी मोहम्मद मालिक ने भी मौलाना को माफी मांगने पर मजबूर किया। Do you want कि मैं पहले प्ले कर दूं 30-40 सेकंड की रिकॉर्डिंग? नहीं, 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 नहीं। जवाब में मौलाना ने कहा दुनिया में कोई इंसान खता से पाक नहीं। उन्होंने कामरान शाहिद, जावेद चौधरी, मोहम्मद मालिक और हामिद मीर समेत तमाम साफियों से माफी मांग ली। हामिद मीर साहब से भी मैं माफी चाहता हूँ, आपसे भी और दूसरे बैठे उनसे भी। मौलाना तारिक जमील की जानिब से माफी के बाद नाम नेहाद साफियों ने अपनी कामयाबी का खूब जश्न मनाया। और अपने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए मौलाना की माफ़ी की वीडियो धड़ाधड़ शेयर की ताकि उनकी मजीद तजलील हो। मौलाना के खिलाफ पोस्ट शेयर करने वालों में हामिद मीर सरे फहरिस रहे, जबकि मंसूर खान ने भी अपनी जीत की खुशी मनाई और लिखा कि कौन कितना सच्चा है इसके लिए मौलाना के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। यही नहीं, इमरान खान की साबिक अहलिया रेहम खान ने भी मौलाना से मुतालिक बेहुदा ट्वीट कर डाले, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि मेरी कौम की बेटी को किसने नचाया। एक तरफ मौलाना के खिलाफ चंद सहाफ़ी कंपेन चलाने में मसरूफ़ रहे तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सहाफ़ी थे जो मौलाना के हक में सोशल मीडिया पर जवाब देते दिखाई दिए। मौलाना से गलती ये हुई कि गलत वक्त पर गलत लोगों के सामने सही बात कह दी। मौलाना की गलती ये है कि उनको आईना दिखा दिया जो सबको आईना दिखाना अपना फर्ज समझते हैं, इसीलिए मौलाना की बात के खिलाफ सब एक हो गए और मौलाना की चोट के शिकार तमाम टीवी एंकर्स प्रोग्रामों में एक दूसरे के दर्जा को बुलंद करने में लग गए। न किसी को लिफाफे के इल्जाम याद आए, न ही प्रॉपर्टी टाइकून की खुशामदी प्रोग्राम, न ही किसी को मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाती रिपोर्टिंग याद आई और न ही सनसनी फैलाती बेबुनियाद खबरें। बस
मौलाना को माफी मांगना चाहिए और मौलाना ने माफी मांग ली। अब पता नहीं है मौलाना तारिक जमील की बेबसी है या मीडिया की बेहिसी, ये सच की शिकस्त है या झूठ की फतह, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ और मानती भी हूँ कि वो सब जो आज मौलाना से माफी मंगवा कर खुश हो रहे हैं ना, ये माफी उनके लिए खुशी का शादियाना नहीं बल्कि ये माफी उनके लिए शर्म का ताजियाना है। मौलाना तारिक जमील के खिलाफ मीडिया ट्रायल पर सोशल मीडिया सारिफिन भी फट पड़े। पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है। आपने कल बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दे, तो जो भी झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत। मैंने किसी आलम दीन की दुआ पे आपसे स्टेटमेंट नहीं ली। मीडिया झूठ बोलता है। यस। आपने कोई गलत बात नहीं की हमारे साथ। ट्विटर पर हैशटैग तारिक जमील और मौलाना टॉप ट्रेंड बन गए। यही नहीं, सारिफिन ने तो नाम नया साफियों के खिलाफ बाइकाट मुहिम भी शुरू कर दी और कुछ ने तो लान तान के साथ साफियों के बाल मुंडवाने वाली तस्वीरें भी शेयर की। लोगों ने ट्वीट के साथ अपनी अपनी वीडियो भी शेयर की जिसमें वो मौलाना के हक में आवाज बुलंद करते दिखाई दिए। लिफाफों को भी पता है वो सच है कि वो, उनको भी पता है कि वो झूठ बोलते हैं और तकलीफ उन्हीं को हो रही है जो ज्यादा झूठ बोलते हैं, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। जिन्होंने ISI के खिलाफ सारा दिन प्रोपेगेंडा किया अपने चैनल्स पर, उन लोगों को कभी शर्म आई? तारिक जमील साहब के पीछे पड़ने से के बजाय बेहतर है कि अपने अमाल दुरुस्त करें। 30-30, 40-40 लाख रुपए एक एक सहाफी ले रहा है। मजा तो तब है ना 5,000 रुपए मौलाना तारिक जमील की तरह बगैर किराए के जाके हक सच बयान करे, अल्लाह की अहादीस बयान करे, मुस्तफा के इश्क की बातें सुनाए, अकालतम का दीन, फिर तो मौलाना तारिक जमील का और आपका मुकाबला बनता है। शर्म करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने सहाफी मौलाना तारिक जमील पर बोल रहे हैं उनकी जात पर, मैं उस पर इहतजाज करती हूं और उन्हें मैं कहती हूं कुछ हया करो, शर्म करो। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी कि हम उलमाए कराम पर आपको भौंकने की इजाजत दें। आप दो टगे के दुनियावी तालीम हासिल करने वाले वो शख्स लोगों के अकायद दुरुस्त कर रहा है, वो हस्ती लोगों को दीन के राह पे ला रहा है, लोगों को कलमा पढ़ा रहा है। ऐसे लोग जो है उनकी अगर इंसल्ट इस तरह लाइव प्रोग्राम में करना, मेरा ख्याल है मौलाना तारिक जमील साहब आपको इस बंदे को मेंशन ही नहीं करना चाहिए था कि यहाँ पे हामिद मीर मौजूद है। पहली बात ये, चार बंदे उठ के मौलाना तारिक जमील की जात पर बात करते हैं और उस पर पूरा शो रख लेते हैं। यानी उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ भाई फैलाता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठ है, ये मैं कहती हूं और मैं किसी एक सहाफी से इस मामले पे बात मांगने, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। ये हक है, ये सच है और मैं मौलाना तारिक जमील आपके साथ हूं। आपको माफी मांगने की जरूरत ही नहीं थी बल्कि इन लोगों को मजीद जूते मारने चाहिए। सोशल मीडिया पर सिर्फ सहाफी नहीं बल्कि कुछ लिबरल खवातीन ने भी मौलाना के खिलाफ जहर उगला, जिसके जवाब में सोशल एक्टिविस्ट मलिया हाशमी ने सबकी बैंड बजा दी। उन्होंने मौलाना के खिलाफ बोलने वालों की ऐसे चित्रोल की कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। आप पर ये सूडो इंटेलेक्चुअल लिबरल्स भी शुरू हो गए हैं कि मौलाना साहब ने खवातीन के लिबास पे बात की, कोई गलत बात नहीं की। मलिया हाशमी की तरह बेशुमार खवातीन व लड़कियों ने मौलाना तारिक जमील के खिलाफ बोलने वालों को आईना दिखाया। एक इंसान है जिसने कोई ऐसी बात नहीं की है और उसके बारे में ये क्या बकवास बकी जा रही है। स्टॉप स्प्रेडिंग रॉन्ग मैसेजेस गाइस, वी आर ऑलरेडी इन अ वेरी शिट होल। मौलाना साहब ने बात की तो उन्होंने ये भी तो सबसे पहले बोला था कि झूठ को अपनी लाइफ से खत्म करें, तो सारे सच्चे लोग आके ये क्यों नहीं बात कर रहे थे कि भाई हम तो झूठ नहीं बोलते, इट्स अ कॉमन सेंस। लेकिन जैसे उन्होंने बेहयाई की बात की है आपका सर चढ़ गया। क्यों भाई, क्यों चढ़ गया आपका सर? और बेहयाई का लफ्ज उन्होंने सिर्फ औरत के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने बेहयाई का लफ्ज मर्द और औरतों, यंग बंदों के लिए भी इस्तेमाल किया है। प्लीज गौर से वो लास्ट उनकी स्पीच सुने। सो शट अप एवरीबॉडी, ऑनेस्टली ऑल दोस वुमेन। दोस्तों याद रखो, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बड़ी ताकत सोशल मीडिया बन चुका है, इसलिए किसी के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, वरना उनका भी यही हाल होगा जो आज मीडिया के किंग बनने का दावा करने वालों का हुआ है। दोस्तों मजीद नई वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।